हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। तो कैसे हो तुम सभी लोग? मुझे ठीक हो। तो देखो आज की वीडियो है ना, उसमें भाई बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो गया। आज हम बनाने वाले हैं एक एनिमे अपडेट पर वीडियो। और तुम सबको पता है एनिमे अपडेट्स काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है अभी के लिए। तो देखो हमारा जो सबसे पहला अपडेट है वो है डिजीमॉन की तरफ से, मतलब डिजीमॉन का। तो देखो उस कार्टून नेटवर्क पर डिजीमॉन का प्रोमो दिखा दिया है। वो बात है, उसका कुछ इतना पता नहीं कि कब तक आएगा डिजीमोन। और देखो भाई पता नहीं डिजीमोन कभी भी आए, बस आने वाले तो समझ कर खुश हो जाओ। और मैं तुम लोगों को ये भी बता देता हूँ कि मतलब पोकेमोन की नई मूवी थी, दो नई मूवी यानी कि वॉल्केनियन और पोकेमोन आई चूज यू वाली, वो किड्स पे आ चुकी है बिना किसी अतरंगी सतरंगी नाम के। हाँ बिल्कुल सही सुना तुम लोगों ने। और देखो तुम लोग सबको पता है कि डिज्नी इंडिया ने कुछ नहीं किया, हंगामा, डिज्नी सुपर हंगामा, इनमें से किसी से हमने उम्मीद थी कि मतलब आएगी पोकेमॉन की नई मूवी वॉल्केनियन वाली, बट वोट किड्स ने किया और बाकी इन सबसे तो उम्मीद ही लगाए बैठे रह गए। और मतलब भाई सही में बहुत बुरा हुआ ये, मतलब हमें पूरी की पूरी उम्मीद थी कि मतलब डिज्नी इंडिया वगैरह से कुछ तो होएगा, मतलब वो लोग पोकेमॉन की नई मूवी लाएंगे, लेकिन वो किड्स आए, ये लोग तो कुछ भी नहीं किए। लेकिन वो और बात है कि इन लोगों ने कुछ भी मतलब मूवी का प्रमोट नहीं किया, जैसे मतलब पहले रैप्स बनाए थे पोकेमॉन के ऊपर। तो देखो और अभी बाकी अपडेट हमारा नारुतो की तरफ से नहीं, क्योंकि मतलब देखो नारुतो की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आए। कई सारे लोग अनऑफिशियल अपडेट्स क्या बता रहे हैं, मतलब कि मतलब नारुतो तब तक आएगा या फिर कभी जैसे दिसंबर में आएगा, नहीं आएगा, अगले महीने आएगा। और ज़ेंडागो एक्स ने भी कहा है, ज़ेंडागो एक्स सर ने भी कहा है कि मतलब आ जाएगा 10th तक, और 10th को प्रोमो आएगा। तो देखो आज 6th है और 4 दिन है और हमें कुछ भी अपडेट नहीं मिला है प्रोमो का, और मतलब कि प्रोमो कब तक रिलीज हो सक, मतलब इतने दिनों से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और प्रमो हमें कुछ भी अपडेट नहीं मिला। तो हम ये कैसे कह सकते कि प्रमो अभी आ जाएगा, मतलब आई डोंट नो कि नारुतो वेडो शायद उसके 20 ईयर्स होने वाले हैं। तो मतलब ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि वो लोग मतलब कुछ करें, मतलब तो इवन तो मतलब करना चाहिए था, लेकिन कुछ और मत होना कि मतलब नारुतो का प्रमो आ जाएगा। नहीं आएगा भाई, कुछ कन्फर्म नहीं है। और बाकी जब भी आएगा तब मैं तुम्हें बता दूंगा, वैसे अभी तो मैं घर पे नहीं हूँ तो आएगा भी तो मुझे पता नहीं चलेगा, लेकिन हाँ कहीं से अपडेट मिला तो मैं बता दूंगा तुम्हें। लेकिन ऐसे ऑफिशियल अपडेट बताता हूँ इसी बात पे, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर लो, और हाँ एक अच्छा सा कमेंट भी लिख देना, और डिसलाइक करना तो डिसलाइक भी कर सकते हो, वैसे भी यूट्यूब बताता नहीं डिसलाइक्स। और हाँ आगे मैं बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा थैंक्स फॉर 235 व्यूज इन शालिंगान एडिट, और आई होप आगे की वीडियोज और शॉर्ट्स में भी ऐसा ही तुम रिस्पॉन्स दोगे मुझे, भाई इससे बेटर ही दोगे। अब जल्दी से 200 सब्सक्राइबर को, हमें 200 सब्सक्राइबर तक पहुंचना है, तो मतलब इसे सब्सक्राइब कर दो यार, 50% से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और अभी साथ ही में मैं तुम्हें एक और अपडेट भी दे देता हूँ। तो देखो ये जो अपडेट है ये है कि ज़ेंडागो एक्स भाई ने, और सर ने भाई क्या नहीं याद पड़ रही है मुझे, हाँ तो उन्होंने जो है एक स्पैमर को ब्लॉक कर दिया है। वो स्पैमर हर वक्त एनिमे की बुराई करता था और जिन कार्टून को प्रमोट करता रहता था, सब मतलब पूरी एनिमे कम्युनिटी में खास करके ज़ेंडागो एक्स और पोकेमैटर के चैनल पर, लेकिन अब वो ब्लॉक हो गया। तो अब कोई चिंता की कोई बात नहीं है, वैसे उस बंदे को मैंने तो काफ़ी अपोज किया था। और सबसे तो सॉरी फॉर द नॉइज, एंड देन मेरी पोकेमॉन नेट की स्क्वाड भी तुम लोग ज्वाइन कर देना। मैं ज्वाइन करने के वो जो मतलब कोड होता है वो मैं तुम्हें दे दूँगा कमेंट सेक्शन में। और बाकी मतलब अब अगले अपडेट तक चलता है। तो देखो अगला अपडेट है प्लेवर्स से, और प्लेवर्स क्या कहते हैं तो सबको पता ही है कि मतलब अब मतलब दिसंबर के अंदर से आ जाना चाहिए। ऑफिशियल तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि 22nd दिसंबर से आएगा, लेकिन उसे तुम नहीं मानो, मतलब दिसंबर में कभी आ जाएगा इतना समझ सकते हो।
ऑफिशियली हिंदी देखे, हिंदी में एनिमे देखे हैं तुम्हें कितना मजा आएगा तुम बता ही सकते, तुम्हें पता ही होगा। और ऐसे जो भी तो सोनी ये वालों नारुतो को जल्दी से देखो, मतलब भाई मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ नारुतो का तो हिंदी में देखने में, तब बाकी तो हम देख ही चुके हैं सब टाइटल के साथ, बट हिंदी में और टीवी पे देखने का तो मज़ा और ही है, मतलब तो वो अलग ही फील आती है। लेकिन हाँ अभी तो अपडेट नहीं है उसी का, लेकिन प्ले बस काफ़ी अच्छे से काम करेगा फ्यूचर में दिसंबर में शायद। और बाकी प्लेयर्स बस होप कर सकते हैं कि उनकी डबिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो, मतलब CN जैसी, और बट हमें उनकी डबिंग का हमें कुछ नहीं पता, लेकिन अगर आएगा तो मतलब बहुत अच्छा डबिंग लेकर ही आएंगे, मतलब वो लोग इतनी बात तुम समझ सकते होगे तो। और बाकी मैं बताता हूँ तुम्हें कि मतलब नारुतो जो है वो भी आ ही जाएगा कभी ना कभी ज़िंदगी में आई गेस। वैसे अगर मुझसे पूछो तब अगले महीने तक आ जाना ही चाहिए, बट कुछ पता नहीं, शायद और टाइम भी लग सकते हैं या फिर अभी इसी महीने आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात जो मैं बताने वाला हूँ तुम्हें वो है कि सास्के को भी अपनी मांगा अडैप्टेशन मिल रही है, जो कि अच्छी बात है। और हाँ भाई तुम्हें पता होगा कि मतलब लाइट नॉवल कई सारे कैरेक्टर्स को मतलब एक लाइट नॉवल दी गई है उनके लिए, मतलब जैसे कि काशी की भी है, मतलब मैं तो खुद उस लाइट नॉवल का भी करंटली पढ़ रहा हूँ, मतलब मैंने खरीद ली, तुम लोग भी पढ़ सकते हो, काफ़ी अच्छी लाइट नॉवल है। और बाकी मतलब DBS का भी हर संडे सुपर संडे होने वाला है अब, मतलब अभी जितना वेट करवा रहे थे यूनिवर्स सर्वाइवल आग के लिए, अब वो पूरा वेट हमारा ख़त्म होने को जा रहा है और अब हम देख सकते हैं बड़े आराम से यूनिवर्स सर्वाइवल आग हर संडे। वैसे मेरी तो पिछली बार मिस हो गई थी, मैं घर पे नहीं था और अभी भी नहीं हूँ, बट इस संडे मैं ज़रूर देख लूँगा उस, तो मतलब ये अच्छी बात है। और बाकी शिनचैन डोरेमोन की कोई मूवी नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा बुरी बात है, और क्या कह सकते हैं। तो अब तक के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।